दर्शकों, जन्म पत्रिका विश्लेषण, हमारा जो जीवन है आम या खास किसी भी प्रकार का है, वो सब कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर संचालित है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलेगा। आप आम का पेड़ लगाते हैं तो उसमें बादाम तो निकलेंगे नहीं, उसमें आम का ही पेड़ लगेगा। अब उस पेड़ में आपने खाद अच्छा दिया है, पानी बराबर समय पर दिया है, उसकी आपने देख रेख बराबर की है, उसका वातावरण आपने अच्छा बना रखा है, उसका जो है ना ध्यान आपने बराबर रखा है, तो पेड़ जल्दी फलेगा और उस पर फल भी जल्दी लगेंगे और फल मीठे भी होंगे। उसके बावजूद अगर हम उसके अतिरिक्त देखें, आपने ना उसमें खाद दी है ना उसमें पानी बराबर समय पर दिया है, पेड़ हो सकता है सूख जाए, फल जिस प्रकार मीठा आपको चाहिए वह नहीं मिल पाए, ऐसी कई तरह की चीजें होती हैं। आप जीवन में आम काम करते हैं और खास उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं, संभव नहीं है। काम अगर आप खास करेंगे तभी आपको खास परिणाम मिलेंगे, आम काम करके खास परिणाम नहीं मिल सकते हैं। उसी तरीके से इस वक्त आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका दिखाई दे रही है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक पत्नी ने हमें भेजी है। शादी हुए 4 वर्ष हो गए, पति जल्दी पैसा कमाने के वशीभूत में कुछ गलत कर्म कर बैठा। उस गलत कर्म का खामियाजा उस व्यक्ति को अभी भोगना पड़ रहा है। क्या किया उन्होंने, अपने ऑफिस के अंदर, ये अकाउंटेंट है पेशे से, और अपने बॉस के साथ मिलकर, जो बॉस उसका मालिक है कंपनी का, उसके साथ मिलकर दोनों ने कुछ ऐसी धांधली की कि वो लोग पकड़े गए और बॉस भी इस वक्त जेल में है और ये एम्प्लॉय भी जेल में है। और उस पैसे के हेर फेर की वजह से कई लोगों को नुकसान भी हुआ। ऐसी अवस्था में पत्नी को ये सारी चीजें पता थी कि आप ये गलत कर्म कर रहे हैं, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर वो उदाहरण ऐसे लोगों के देते थे जिनको आज तक तो कोई तकलीफ ही नहीं आई है, कि ईमानदार आदमी जो है वो तो जिंदगी जो है अपनी खराब कर रहा है, और कोई ऑफिसर है बड़ा ईमानदार है वो कोने में बैठा है, जो रिश्वतखोर है जो बहुत पैसा कमाता है वो अच्छी पोस्ट पर बैठा है। कई लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपया देकर एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करते ताकि ऊपरी इनकम मिल सके, ऐसा आमतौर पर होता है, आप सभी को पता ही है। उस जल्दी पैसा कमाने की वजह से इस व्यक्ति ने गलत कर्म किए और इस वक्त पिछले 8 महीने से जेल में है। पत्नी परेशान, पत्नी के घर वाले परेशान, माता पिता परेशान, आमतौर पर होते ही हैं। अब पत्नी कह रही है कि मेरे पति कब जेल से रिहा होंगे, रिहा होने के बाद ये क्या ठीक हो जाएंगे, वापस हमारी आम जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि इनको कई तरह की तकलीफों का अभी सामना करना पड़ रहा है। जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो भी पूछते हैं इनके बच्चों को, तुम्हारे पिताजी कहां पर है। आमतौर पर जो रिश्तेदार होते हैं वो भी किनारा कर लेते हैं कि नहीं, इनके पति तो जेल में है, भाई गलत लोग हैं, इनसे दूर रहो। अपने बच्चों को दूर रखा जाता है, स्कूल में उनके बच्चों पर गलत असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें, आस पड़ोस का वातावरण खराब होता है। तो काम आपने एक गलत किया और 36 उसकी तकलीफें आपको सहन करनी पड़ रही है। उसके अतिरिक्त यदि हम काम अच्छा करते हैं तो चारों तरफ वाहवाही होती है, आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। जैसे ही आप गलत कर्म करते हैं आपके अपना साया भी आपका साथ छोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था में इनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है, परेशान हो रही है, पैसा भी बिका, मंगलसूत्र तक बिकने की नौबत आ गई, वकीलों को पैसा दिया, पुलिस को पैसा दिया, कई तरह के पैसे जो खर्च हुए, जितना इन्होंने धांधली करके पैसा कमाया था उससे 3 गुना पैसा अभी तक इनका लग चुका है। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 विशेष प्रश्न है, जेल से कब रिहा होंगे, रिहा होने के बाद इनकी क्या ये इस प्रकार के तो नहीं हो जाएंगे कि बिल्कुल ट्रेंड होकर बाहर निकलेंगे कि अब तो मैं बिल्कुल तरीके से धांधली करूंगा ताकि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊं, इनका मानना यह भी है। और क्या फिर ये सुधर जाएंगे और हमारी मान सम्मान धन दौलत ये सब कुछ वापस लौट आएगा या नहीं लौट आएगा। रातों की नींद हराम हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो चुकी है, माता पिता कहीं जाते आते नहीं है, मंदिर में भी नहीं जा पाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी तकलीफ इनको है। यदि तकलीफ इनकी पत्र से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद को तक रोना आ जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ आज की तारीख में हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इनके 9 ग्रह और 12 भाव क्या कहते हैं कि कब इनका जो है जेल से रिहाई का समय बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न में चंद्रमा विराजमान है। लग्न क्या है ये हम देख लें कि व्यक्ति का चेहरा है, चेहरा, आचरण, व्यवहार, कद, काठी, पर्सनैलिटी, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बुद्धि, बोलचाल, भाषा, ये सब कुछ बता देता है लग्न। लग्न में ही चंद्रमा, चंद्रमा कौन है, मनसो जातक, मन और मस्तिष्क का मालिक है। तो मन और मस्तिष्क में एक बात आई कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, उस जल्दी पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, आप रास्ता कौन सा चुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो लग्नेश बनते हैं इनकी कुंडली में सूर्य, सूर्य लग्नेश बनकर पंचम स्थान बुधादित्य योग, सूर्य मंगल का पराक्रम योग, फिर बृहस्पति के घर में बहुत बढ़िया राजयोग बनता है।
फिर बृहस्पति जिस घर के मालिक है वो कहां विराजमान हुए हैं, फाइनेंस के अधिपति, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मेहनत तो मुझे करनी है, मैं तो कर ही रहा हूं, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना और मेरे शब्दों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। धन का अधिपति है बृहस्पति, धन कमाने के लिए इन्होंने गलत कर्म चुना, गलत था या सही था वो बाद में पता पड़ता है। आइए हम थोड़ा बृहस्पति पर निगाह डालते हैं कि पंचम स्थान अकस्मात धन, जुआ, लॉटरी, शेयर और सट्टा, ये अकस्मात धन के आमतौर पर देखे जाते हैं, इसके मालिक जाकर विराजमान हो गए नाइन्थ हाउस में, भाग्य स्थान में, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, लेकिन बैठे किसके पास है, केतु के साथ, बृहस्पति और केतु का बन गया चांडाल दोष। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु है, वो केतु के साथ जाकर बिगड़ गए। एक छोटा सा उदाहरण, हम कई बार देखते हैं हमारे तो श्रीमाली जी बेटे की संगत बहुत बुरी है, एक अच्छा लड़का गलत दोस्त के पास जाता है तो उस गलत दोस्त को सुधार कर अच्छा कर देता है, ऐसे उदाहरण तो हम कम देखते हैं, अच्छा व्यक्ति जाकर बिगड़ जाए वो हम ज्यादा देखते हैं। संगत का असर, तो संगत बृहस्पति धन के कारक ग्रह, बृहस्पति धन के कारक ग्रह होकर केतु के साथ फाइनेंस का अधिपति खराब हो गए। फिर बृहस्पति की पांचवी दृष्टि और केतु की भी पांचवी दृष्टि समझने की कोशिश करनी है। ऋषि मुनियों ने बृहस्पति और केतु को पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि दी है, जिसे पांचवी नौवीं दृष्टि विशेष है, हम कोशिश करते हैं समझाने की। एक, दो, तीन, चार और पांच लग्न पर बृहस्पति और केतु की दृष्टि, बृहस्पति डैमेज, केतु के साथ बनकर चांडाल दोष, फाइनेंस का अधिपति, कहां दृष्टि डाल रहा है, लगन, लगन क्या बताया मैंने आपको, चेहरा, मोहरा, कद, काठी, पर्सनैलिटी, मन, विचार, बुद्धि, विवेक, कॉमन सेंस, ये सब चीजों का है। और मनसो जातक चंद्रमा लग्न में, उस पर चांडाल दोष की दृष्टि, तो चांडाल पना गया दिल और दिमाग में, मन और मस्तिष्क में, कि हाँ जी मुझे तो जल्दी पैसा कमाना है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और कर तो दिया आपने। फिर आपको मैंने कई बार बताया है कि शनि, शनि जो है वो न्यायाधीश है, न्याय करते हैं, न्याय कैसे होता है, एक व्यक्ति ने खून किया है, जज साहब ये नहीं देखते हैं कि मैं अगर इसको फांसी की सजा देता हूं तो इनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माता पिता का इकलौता सहारा, इकलौता बच्चा इनके हाथ से छीन जाएगा, अगर ये सब चीजें देखते हैं तो उसको सजा नहीं दे सकते, अगर सजा नहीं देते तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, हाँ उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया था क्योंकि वो सुधरने की कोशिश कर रहा था, नहीं उसको सजा मिलेगी, लेकिन हो सकता है जज साहब को दया आ जाए तो फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाए, पर सजा तो मिलकर रहेगी, तो सजा किससे दी, न्यायाधीश शनि ने। आइए हम थोड़ी सी निगाह शनि पर भी डाल देते हैं। सबसे पहले राहु जो है वो शनि का शैडो प्लेनेट है और इनकी हॉरोस्कोप में जो शनि है वो बारहवें घर में विराजमान है। बारहवां घर किस चीज का है, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, जेल यात्रा, मान सम्मान, अपमान, पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, लीगल कॉम्प्लिकेशन, तलवार लटकी हुई रहेगी सर पे। मां बगलामुखी का कोर्ट कचहरी में सहारा मिलता है जिसका आप जो है पालन करें और ये 100% तय है कि 7.5 खत्म होने के बाद ये व्यक्ति वापस इस गलत कर्म से लिप्त नहीं होगा और अच्छी जीव अच्छा जीवन जो है जिएगा। साथ में बृहस्पति की दशा जो है वो खत्म होने वाली है और उसके बाद शनि की दशा शुरू होती है, वो अच्छे परिणाम देने लग जाएगा। तो आप मेरे हिसाब से 100% आप निश्चिंत रहिए कि आपके पति आने वाले टाइम में तरक्की जरूर करेंगे। हाँ, वक्त के साथ ही ये घाव भर पाएगा, आज जेठ से रिहा हुए कल सब कुछ मान सम्मान लौट आया चारों तरफ से खुशियां, नहीं संभव नहीं है, समय का घाव समय से भरता है। तो माँ बगलामुखी का एक कवच बनता है उसे गले में धारण कराइए, रोजाना रात को 5 माला देवी माँ का एक चित्र, बगलामुखी का चित्र रखिए, तेल का दीपक जलाइए, 3 दीपक जलाने और माँ बगलामुखी मंत्र का जो है 5 माला जाप करना है, निश्चित रूप से आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। जब ये बाहर आ जाएं तो एक बार सब परिवार मुझसे मिलने के लिए आए तो हम चांडाल दोष का और निवृत्ति कर पाएंगे। पर फिलहाल दर्शकों कि यह व्यक्ति ने गलत कर्म किए, सजा शनि ने दे दी इनको, हो सकता है आप भी ऐसे किसी गलत कर्म से अभिलिप्त हो, आने वाला वक्त आपके लिए परेशानदायक हो सकता है, कोशिश करें कि आज ही उसे सुधारने का प्रयास करें।